आप सोच रहे हो कि मैंने नाक क्यों बंद की है ना, तो चलिए मैं बताती हूँ कि मैंने ऐसा क्यों किया है। मैं क्यों अभी अपनी नाक बंद कर देती वो मैं बताती हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं ये मेरा पूरा बाहर का विंडो है। मैं सिर्फ जन्माष्टमी में 4 दिन के लिए क्या चली गई, ये कबूतरों ने तो इसे चिड़ियाघर समझ लिया और पूरा गंदा कर दिया है। यहाँ पे झाड़ रखा है तब से, बहुत कम आते हैं पिजन्स, इसलिए यहाँ पे तो हमने ऐसे सादा सादा ही रखा है। यहाँ से तो एक साइड से निकल भी गया है, ठीक है कोई बात नहीं है, बाकी यहाँ पे जल्दी नहीं आते हैं पिजन्स। झाड़ रख दिए इसके लिए हम लोगों ने, आप देख सकते हैं, पर यहाँ पे भी हमने नेट लगाया इस तरह से। फिर यहाँ पे ये रूम में भी पिजन्स नहीं आते हैं, यहाँ पे भी ऐसे नेट लगा दिया है, ऊपर से उड़ के नहीं आ पाते यहाँ पे पिजन, इसके लिए हमने यहाँ पे ऊपर की साइड नहीं लगाया। जिस दिन आएंगे उस दिन देखेंगे। मुझे लगता है हमारे जाने के बाद अगर आप कबूतर पे दया करते हो कि भाई अंडे देने दो, अंडे बच्चे आ जाएंगे उड़ जाएंगे, उसके बाद हम उसको उसके बाद हम लोग उसको फेंक देंगे, तो दया मत करना। आप दया करोगे वो घर बिगाड़ेगा, आप दया करते जाओगे वो घर बिगाड़ते जाएगा। क्यों? क्योंकि ये लोग है ना बहुत लविंग बर्ड्स है, बहुत ज़्यादा लविंग बर्ड्स है। दो अंडे रखे, बच्चे आए, दूसरे दो अंडे आ गए, फिर से बच्चे आए, दूसरे दो अंडे आ गए, ऐसा ही करते जाएंगे। और अगर ऐसे सेफ्टी मिल गई ना इनको, मिल गई ना इनको, तो वो बच्चे जो छोटे हैं, काफ़ी बार सेफ्टी नहीं होती तो उड़ने की कोशिश में गिर जाते, पर मेरे यहाँ ऐसा नहीं है। मैं कबूतर ना आए, देख सकते इधर, आप देखिए, आपको मैं दिखाती हूँ, छोटे 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 कीड़े रेंग रहे हैं, दिख रहे आपको, देखो ये छोटे छोटे कीड़े, जैसे कीड़े फिर हमारे घर पे आ जाते हैं। एरिया जो आप देख रहे हैं वो कैसा दिखता है सफाई करने के बाद, ये देखिए, ये देखिए कैसे अंडे दिए, कैसा घोंसला है, कैसा बिगाड़ा है, कैसा हो गया है, देखते दिखाते आपको, देखिए कैसा हो गया है सब, सब गंदा 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 गंदा। चलो सफाई करती हूँ, ये सब बैरिकेड्स कर देती हूँ, और ये लोग कहीं से ना कहीं से जगह ढूंढ के आ जाते हैं, और ये जो बच्चे होते हैं वो उड़ने की कोशिश में इधर ही उड़ना सीख जाते हैं और फिर निकल जाते हैं। मतलब यहाँ के मेरे यहाँ पे जो आते हैं वो कभी मरते ही नहीं हैं, वो बराबर बड़े होकर ही जाते हैं। तो अभी मैं ये पूरा साफ़ करूँगी एरिया, जो बहुत गंदा लग रहा है, यक, मैं नाक बंद करके साफ़ करने वाली हूँ। बहुत बास आ रही है, बहुत कीड़े मकोड़े, पता नहीं क्या क्या जीव जंतु हो गए हैं उसके अंदर, तो मैं फटाफट से इसको साफ़ करती हूँ और बताती हूँ। एरिया जो आप देख रहे हैं वो कैसा दिखता है सफाई करने के बाद, ये देखिए, ये देखिए कैसे अंडे दिए, कैसा घोंसला है, कैसा बिगाड़ा है, कैसा हो गया है, देखते दिखाते आपको, देखिए कैसा हो गया है सब, सब गंदा 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 गंदा। चलो सफाई करती हूँ, ये मैं फेंक देती हूँ, सब साफ कर देती हूँ। आप देखो कितना गंदा है, इधर रखती हूँ, फिर देखती हूँ क्या करती हूँ मैं इसके साथ। यहाँ पे लगता है कबूतर ने अंडा भी दे दिया था और बच्चा उड़ के चला गया, और फिर वहाँ दूसरा घोंसला बनाया। तो अभी हम इसको भी ले लेते हैं, ऐसा जम गया है, निकल भी नहीं रहा है। कबूतर सोचेंगे थोड़ी देर हमारे अंडे कहाँ हैं, और ये लोग इतनी आबादी फैलाते कि ज़रूरत नहीं है इनको इतनी आबादी और फैलाने की, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सारा कचरा आपको मैं दिखाती हूँ इसको फेंकने का रीज़न। आप अभी देखिए, देख सकते हैं इधर, आप देखिए, आपको मैं दिखाती हूँ, छोटे 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 कीड़े रेंग रहे हैं,
दिख रहे आपको? देखो ये छोटे छोटे कीड़े, ये ऐसे कीड़े फिर हमारे घर पे आ जाते हैं। अभी मैं इसको फेंक देती हूँ और फिर थोड़ा और अरेंजमेंट कर देती हूँ कि यहाँ पे और कबूतर ना आ सके। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने किस तरह से इसको पूरा पैक कर दिया है ताकि कबूतर ना आए, पर फिर भी आ जाते हैं। ये कहीं ना कहीं से उनको जगह मिल जाती है, तो मैं कोशिश करूँगी आज सारी जगह पैक कर दूँ ताकि वो आ ना सके। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सब कीड़ों को मैं भगा रही हूँ। ये देखिए कैसे रेंग रहे हैं सब। ये तो बहुत सारे थे, थोड़े मैंने इस पॉलिथीन में डाल दिए, थोड़े इसको निकाल दी हूँ। ढूंढो अभी कुछ भी नहीं है यहाँ। उड़ उड़ के आ रहे देखने के लिए। इनके तो बस अपना घर बसाने की पड़ी है, जो बसा बसाया घर है उसका तो ध्यान ही नहीं देते कि वो कितना गंदा होता है। इन्हें थोड़ी झाड़ू पोछा लगाना रहता है जो ये लोग ध्यान दें। तो आप देख सकते हैं अब कितना क्लीन कर दिया है मैंने। अब देखिए कितना ये था गंदा, सब कुछ क्लीन कर दिया है मैंने। अब मैं नीचे जाके फेंक कर आती हूँ। अब मैं नीचे जाके सब फेंक कर आती हूँ। देखिए अभी मैं सबको ठीक से अरेंज करके रख दूँगी, ये सारी खिड़कियों पे जो तार है ठीक कर दूँगी ताकि कबूतर आ ना सके। इतनी अच्छी हवा आती है यहाँ पे, पर ये कबूतर आके सब ख़राब कर देते हैं। तो चलो मैं अभी सबको ठीक कर देती हूँ। तो कुछ हजारों साल मेहनत करने के बाद अब मैंने अपनी पूरी विंडो को बहुत क्लीन कर दिया है, पिजन प्रूफ कर दिया है। अब आप सोच रहे होगे पिजन प्रूफ इतना कितना किया मैंने, तो आपको दिखा देती हूँ। भाई पिजन बहुत आते हैं, बहुत कबूतर आते हैं, और आप जब देखोगे तो बहुत हंसोगे क्योंकि आप बोलोगे इतना जुगाड़ किया सिर्फ एक पिजन को रोकने के लिए। तो यस, क्योंकि पिजन आते हैं, अंडे देते हैं, अंडे तो देते हैं ठीक है, फिर हमें उसे गिरा के पाप करना पड़ता है। अगर हम ये पाप ना करें तो और एक प्रॉब्लम होती है, बहुत गंदा होता है, जैसे मैंने आपको दिखाया था कीड़े मकोड़े सब हो जाते हैं, बहुत बड़े होते हैं एकदम, वो फिर चल के घर पर आते हैं कहाँ कहाँ से जगह बना के। इसके लिए मैंने सबसे बेस्ट यही सोचा कि मैं है ना क्या बोलते हैं लगा दूँ इस पूरे जगह पे। और जबकि ये मेरा रेंट पे घर है इसलिए मैंने ज़्यादा इसमें खर्चा नहीं किया। खुद का होता तो मैं एकदम प्रॉपर पिजन 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 प्रूफ कर देती, कहीं से पिजन क्या चीटी भी ना आए इतना प्रूफ कर देती मैं इसको। लेकिन ठीक है, अभी जुगाड़ किया है हमने, जब खुद का घर लेंगे और ऐसी तकलीफ़ आएगी तो ज़रूर हम इसे पिजन प्रूफ कर देंगे पूरे घर को। और ये नेट का खर्चा हमने किया था, फिर सब लगाने का आइडिया भी हमारा ही था कैसे लगाना है। आइडिया हमारा मतलब मेरा था, क्योंकि पापा को ये सब समझ में नहीं आता, मतलब उनको समझ में आता लेकिन उनको करना नहीं रहता, तो ये सब के लिए मैं ही एक्सपर्ट हूँ। हाँ, हमारी गैलरी में हमने खर्चा करके वहाँ पे लगवाया था क्योंकि वहाँ पे पॉसिबल नहीं था जुगाड़ करना, तो वहाँ पे हमने खर्चा करके सब ठीक से करवाया था। पर यहाँ पे हमने जुगाड़ किया, सब जगह जुगाड़ किया, दिखाती हूँ मैं आपको। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे कुछ झाड़ू वगैरह रखा है। बाकी आपने देखा होगा पहले ऐसा था और अब पूरा मैंने इसको साइड से कवर कर दिया है। ये पूरा कवर कर दिया है मैंने क्योंकि इनको छोटी सी जगह भी मिलते हैं तो उसमें घुस घुस के जगह बना लेते हैं, डरते भी नहीं है। ये तो पहले से किया हुआ था, इसके नीचे मैंने एक और ये लगा दिया है। ये साइड है ना थोड़ी नेट कम थी इसलिए कपड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा करके लगाना पड़ा, और यहाँ नीचे भी एकदम फिट है लेकिन फिर भी आ जाते तो ऐसे पत्थर रख के कवर कर दिया मैंने। अब मैं आपको अपने दूसरे पूरे रूम्स का दिखाती हूँ कैसे हम लोगों ने उसको कवर किया है। यहाँ पे झाड़ रखा है तब से बहुत कम आते हैं पिजन्स, इसलिए यहाँ पे तो हमने ऐसे सादा सादा ही रखा है। यहाँ से तो एक साइड से निकल भी गया है, ठीक है कोई बात नहीं है, बाकी यहाँ पे जल्दी नहीं आते हैं पिजन्स। झाड़ रख दिए इसके लिए हम लोगों ने, आप देख सकते हैं। पर यहाँ पे भी हमने नेट लगाए इस तरह से, फिर यहाँ पे ये रूम में भी पिजन्स नहीं आते हैं, यहाँ पे भी ऐसे नेट लगा दिया है
ऊपर से उड़ के नहीं आ पाते यहाँ पे पिजन, इसके लिए हमने यहाँ पे ऊपर की साइड नहीं लगा। जिस दिन आएंगे उस दिन देखेंगे। मुझे लगता है हमारे जाने के बाद अगर यहाँ पे कोई रेंट पे आएगा ना, तो इसको तो ये सब रेडीमेड मिलेगा, पर उस खिड़की में जब वो निकालने जाएगा तो लगता है पूरा कलर ही निकल जाएगा वहाँ का सब। अब मैं आपको गैलरी का दिखाती हूँ, हमारे गैलरी में किस तरह से है। तो आप देखिए गैलरी में हमने बिल्कुल अच्छे से किया हुआ है, एक एक जगह पे ऐसे स्क्रू लगा लगा के किया हुआ है ताकि कहीं से ना आ पाए। यहाँ पे कपड़े रखे हैं सुखाने के लिए। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमने गैलरी को किया है। तो आपको आज का मेरा व्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, डू सब्सक्राइब अगर आप मेरे चैनल को ऐसे ही देखना चाहते हैं, आप मुझे पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए आपको एंड स्क्रीन, जब आप वीडियो के एंड में पहुंच जाते हैं तो कान्हा जी की तस्वीर आएगी, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। और याद रहेगी, अगर आप सब्सक्राइब होंगे तो ऑलरेडी सब्सक्राइब है तो वहाँ पे अनसब्सक्राइब लिखा होगा, उसे आपको क्लिक नहीं करना है। सब्सक्राइब लिखा हुआ है तभी क्लिक करना है। इस पर भी मैं बहुत जल्दी एक वीडियो बनाऊँगी कि सब्सक्राइब कैसे करते हैं। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।